नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मौसम समाचार में। आपको बता दें, मौसम को लेकर अभी अभी उत्तर प्रदेश से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही कि पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुआ मानसून, आज से भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो चलिए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और किन किन जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश के आसार जताए हैं। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को अंत तक देखें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि यूपी में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके बाद सामान्य दर्जे की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश होगी। बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। इसी बीच आपको बता दें कि मौसम विज्ञानी डॉक्टर एसएन सुलीन पांडे का कहना है कि टर्फ लाइन अभी तक मध्य भारत में थी, अब ये ऊपर की ओर बढ़ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि आज भारी बारिश की उम्मीद है और आपको बता दें दो दिनों तक पूरे उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश होगी, जिससे आपको बता दें कि लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ज्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छा से संतोषजनक श्रेणी में है। आइए जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों में मौसम कैसा रहेगा। लखनऊ में अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, कुछ समय के लिए भारी बारिश गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में है। वाराणसी में अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। यहाँ भी बादल छाए रहेंगे, भारी बारिश का अनुमान है। बात करें प्रयागराज की तो प्रयागराज में अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहाँ भी आपको बता दें गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने प्रयागराज में भारी बारिश की संभावना जताई है। बात करें कानपुर की तो कानपुर में अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहाँ भी बादल छाए रहेंगे, भारी बारिश के आसार हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में है। बात करें गोरखपुर की तो गोरखपुर में अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बादल यहाँ भी छाए रहेंगे, भारी बारिश होगी, बौछारें भी पड़ेंगी। वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छा श्रेणी में दर्ज किया गया है। बात करें अयोध्या की तो अयोध्या में अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मध्यम बारिश गरज के साथ बौछारें या फिर भारी बारिश होगी। वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छा श्रेणी में दर्ज किया गया है। बात करें मेरठ की तो मेरठ में अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बादल यहाँ भी छाए रहेंगे, एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें। मौसम विभाग ने यहाँ भारी बारिश की संभावना जताई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छा श्रेणी में दर्ज किया गया है। वीडियो के आखिर में अगर बात करें आगरा की तो आगरा में अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहाँ भी आपको बता दें आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ बौछारें या फिर भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यहाँ संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।